रंगीला फिल्म सदाबहार गीत के हजारे भेरा मुख्तलिफ अंदाजन से गायो राग जो चार आबाई गांव गुजरात है, जलालपुर जट्टा से आगे हमारा गांव है वहाँ। ये जो आपका आपका गांव है वो गांव है या शहर है? गांव जैसे यहाँ देहात है, मगर यहाँ के देहात ऐसे हैं कि लोड़े दिए जाते हैं ये वो, हमारी तरफ ऐसे नहीं होता। हमारी तरफ दीवारें गलियां मतलब ऐसे थोड़े पुख्ता। और ये जो लांडिये जो यहाँ कईयों के घर ऐसे होते हैं जहाँ वहाँ लांडी हमारे पंजाब में ये भैंसों के लिए जानवरों के लिए ऐसे बनती है जहाँ वो उनको बांधते। तसव्वुर खानम जी पैदाश कराची में थी। वो पंजे पी जो नालो अख्तर हुसैन ए वालदा जो नालो सरदार बेगम बुदाई। सदस चवन मुताबिक हुन जो वालिद दर्ज को कम कंदो। मेरे वालिद साहब का नाम अख्तर हुसैन। मेरी माँ का नाम सरदार बेगम। तो वो दर्जियों का काम करते थे, मतलब टेलर थे वो। वाल साहब जी। और अम्मी? अम्मी घरेलू मतलब काम का जैसे बीवियाँ होती हैं ऐसे। तसव्वुर खानम पंहिंजी पैदाश जे किस्से खां पूरी रीत वाकुफ़ आहे। हू ॿुधाए थी त संदस जनम 7 महीननि में कराची जी आवासी अस्पताल में थियो। हमारे रिश्तेदार थे कराची में, अम्मी और अबू यहाँ आए थे उनको मिलने के लिए, तो मैं होने वाली थी। तो यहाँ मैं एक अच्छा मैं एक और बात बताती, मैं 7 महीने की पैदावार हूँ। अच्छा। जैसे 7वां या बच्चा नहीं होता। मिस अब्बासी का हॉस्पिटल था अम्मी, कराची में। कराची में अब पता नहीं है या नहीं, बहुत अरसे की बात है, तो बोलती नहीं थी तू, मतलब जैसे को मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। तो मिस वासी ने कहा ये बच्ची बोलती नहीं है, तो उन्होंने टांगों से पकड़ के ऐसे झंझोड़ा, एक चांटा लगाया मुझे। तो मैं चीखने मतलब रोने शुरू हो गई, कहते नहीं नहीं बच्ची जिंदा है, ठीक है बच्ची। तो फिर वो उस टाइम पे तो वो नहीं थे कैबन वगैरह जिसमें बच्चे को रखते थे या ये, तो रुई में लपेट के मेरी अम्मी को कहा कि इसको ये 2-3 कतरे दिए उन्होंने, एक शीशी दो थी, कहते ये दो टाइम इनको ना दो कतरे दिया करें। तसव्वुर खानम जे मिटन माइटन जी अक्सर जिंदगी फनी फनकारन जे शहर लाहौर में गुजरी। वो कुछ दिन लाए तालीम वास्ते स्कूल में ते दाखिल थी, पर हु पढ़ी न सकी, उन करे कैंप बोली जे लफ्जन जी खेस अजनी ताई काब सुजाणप ना है। मैं गई स्कूल तो फिर पहले का तो नहीं था इतना ना,
कि बच्चों को पढ़ाएं या बच्चों से नौकरियां करवानी है या ये वो, तो सीधा साधा माहौल था गांव का। जैसे मेरी माँ भी इतनी वो नहीं थी ना, तो उन्होंने फिर मतलब मुझे उठवा दिया कि बच्चों को संभालो, बहन भाइयों को, मैं घर का काम करूंगी या मैं बच्चों को संभालूंगी, तो तुम बड़ी हो, तुम बच्चों को संभालो। मुझे लोग कहते कि आप क्यों कहती हैं कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, आप क्यों बताती हैं? मैंने कहा नहीं, क्यों ना बताऊं? अगर मैं कहूँ जी हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, किसी और मेरे जानने वाले को पता हो कि ये पढ़ी नहीं है, तो वो तो अपने घर में कहेगा ना झूठ बोल रही है, उससे बेहतर है मैं सच बोलूं जो हकीकत है। अगर मुझे कोई कहे कि आप कुछ लिख दें फिर मैं लिख ना सकूं, उस आदमी के सामने मैं शर्मिंदा हूं, उससे बेहतर है कि मैं पहले बता दूं कि मैं पढ़ी हुई नहीं। तसव्वुर खानम गायण जे फन जो उत्साह पेंजी फुफी वसीम बेगम उर्फ अलह वसाई का हासिल कयो। बारोतन जे डीहन में गायण संगद हु मुहर्रम जे डीहन में नोहा खवानी भी कदी हुई। गाने का शौक मेरी फुफो गाती थी, अल्लाह वसाई, अल्लाह वसाई, नसीम बेगम, वो रेडियो में प्रोग्राम करती थी लाहौर से जी, तो उनको सुन सुन के फिर उनको देख के कि ये गाती हैं मैं भी गाऊं, तो रेडियो पे सुनते थे उनके गाने, जैसे रेडियो पे चलते थे पहले तो ऐसे ही था, तो वो उनको सुन सुन के फिर, और नोहे पढ़ने मुहर्रमों में ज़ियारत पे ये वो जाना आना मजलिस। सदस गले मां निकरंदड़ आवाज अड़ो तो जादू जगाइंदो हो, जो जने केस मानू गाई दे बुधंदा हुआ तरह वाह वाह करण का सवाय रही न सकदा हुआ। उन्होंने भी तसव्वुर खानम साजन ते गायण जी बाकायदे सिख्या हासिल कई, ए हारमोनियम नवाज उस्ताद हुसैन बख्श बारड़ी तसव्वुर के ठाहे जोड़े अड़ी त गुलूकारा बनाए छो, जो दुनिया के से अज भी इज्जत एहतराम से बेडम तसव्वुर के नाले से जाने सुने। ये तो है, सीखने से बहुत कुछ आता है, मगर ये खुदादाद चीज होती है। मेरे जो उस्ताद थे, उस्ताद भूटिया अली खान, सरंगी पे मुझे तालीम देते थे वो, तान पलटे कहलाना मुझे, अभी तो राग रागनी याद भी नहीं रही क्या बचपने की ये वो बातें हैं, तो वो कहते थे तसव्वुर तुम मगर ये तान पलटे निकालोगी ना तो जिंदगी में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, गाना गाते हुए या कुछ जगह निकालते हुए। पहले तो आपने सारंगी आवाज से ये चीजें सीखी, उसके बाद? उसके बाद हुसैन बख्श थे, हारमोनियम बजाते थे, उन्होंने मुझे मिली नगमे, लोक गीत, गजलें, फिल्मी गाने, उन्होंने फिर मुझे सिखाना शुरू किया। जब आप ये सीख रही थी तो आपकी उम्र अंदाजन क्या होगी उस वक्त? 10-11 साल की होगी उम्र। पाकिस्तान जी लेजेंड गुलूकारा तसव्वुर खानम जी पैदाश जो असल सन कैडो आहे तेंजी खबर तक खेस भी ना है, पर सन सुजानप कार्ड ते उन जी पैदाश जो सन 1950 ईस्वी लिखल आहे, उन लिहाज सा वो 2021 ईस्वी में 71 सालन जी उम्र माने चुकी। संदस पहरियों फिल्मी गीत 16 सालन जी फिल्म बाप बेटा में रिकॉर्ड थियो। और जब फिल्म की दुनिया में आई तब आपकी क्या उम्र थी? 15-16 साल। 15-16 साल। और पहली फिल्म आप? मेरी पहली फिल्म थी बाप बेटा, बाप बेटा, उसमें तालब जाफरी के बेटे सजाद ने मुजीब आलम के साथ मेरा ड्यूट लिया। अच्छा, उसके बाद फिर? उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में जैसे एक नई चीज कोई भी आए, हिरवन आए, गाने वाली आए, कोई भी एक्टर आए तो एकदम वो लोग समझते कि ये आर्टिस्ट आया है, ये देखे कैसा गाता है या कैसी एक्टिंग करता है या कैसा, तो मेरी आवाज़ ऐसे लोगों ने सुनी वहाँ रिकॉर्डिंग रूम में, तो सब ने आके सुना कि बच्ची की आवाज़ अच्छी है, तो फिर आस्ता आस्ता सब ने मुझसे गाने शुरू कर दिए लेने। तसव्वुर खानम बुधाए थी तक इस फिल्म में अदाकारी तौर कम करण जी बात थी, पर हुन उहा आछ कबूल न कई ऐं गुलूकारी जे फन सां ई लागा पियल रही। आपका जो पहला गाना जिसने मुतासिर किया हो, आपकी शोहरत में इजाफा किया हो, वो कौन सा है आपके ख्याल में? वो मेरा गाना सब तो सोने।
सब तू सोनिया, रंगीला फिल्म का गाना था। अच्छा। हाँ। उसी दौरान रंगीला साहब ने कहा कि आप मेरी फिल्म में काम करें, मुझे कहा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे उस टाइम वो था कि नहीं मुझे गाना है, मैं फिल्म में काम नहीं कर सकती, अदाकार के तौर पे नहीं कर सकती, नहीं कर सकती मैं। तो फिर वो फिल्म में मैंने काम नहीं किया, गाना गाया। कायनात जे खलकींदड़ खूबसूरत आवाज जियां तसवर खानम के माकूल शिकली सूरत भी नहीं आए, पर उसरंदड़ जोभन जे डीन में हु कमतरी जे एहसास जो शिकार रहे। वो बुधाए थी त संदस माइट खेस कोझो करे कोठींदा हुआ, उन करे हुन इब्तदाई डीन में टीवी ते गायण खां भी पासो कयो। और मुझे कभी ऐसे हुआ भी नहीं कि मेरा इतना नाम होगा या मुझे लोग इतना पसंद करेंगे, कभी सोचा भी नहीं था। कभी सोचा भी नहीं थी। वो भी उसकी एक वजह है कि घर में जब मैं छोटी थी सब ये कहना कि अख्तर दीती बड़ी कोजी मेरी मेरे लिए कि काला सा रंग है इसका, बस ऐसे ये कोजी है अख्तर दीती। तो वो एक जैसे नफसियाती बच्चे को एक होती है ना बात होती है कि मैं कोजियाँ उसे मुझे नहीं कोई शायद पसंद करेगा या ये वो। तो यही वजह थी कि टीवी में मैं नहीं आती थी। टीवी वालों ने मुझे कहा कि आप प्रोग्राम करें, जब रंगीला फिल्म का गाना हिट हुआ तो मैंने कहा नहीं, पता नहीं लोग पसंद करेंगे या नहीं, मैं नहीं आऊँगी। वो टीवी ते पंहिंजे पहिरें गीत जी रिकॉर्डिंग ऐं कैमरा जे खौफ जो हिन रीत जिक्र करे थी। फिर रफीक वड़ाइज साहब थे, उन्होंने उस टाइम पे जो भी थे जिन्होंने मेरा ये प्रोग्राम किया, उन्होंने फिर कहा कि हम आपकी रिकॉर्डिंग करेंगे पहले, उसके बाद हम करेंगे वो। तो मैंने कहा चलें ठीक है, एक हौसला बड़ा। तो वो कभी इधर कैमरे को लेकर आए, कभी इधर लेकर आए, तो अजीब फीलिंग होती थी मुझे कि पता नहीं क्यों ऐसे कर रहे हैं, कि पता नहीं मैं सही नहीं, खूबसूरत नहीं आ रही या पता नहीं क्या। तो वो फिर मैंने कहा क्यों आप ऐसे देख रहे हैं ये मुझे, कहते नहीं हम फ्रेम बनाते हैं आपका, इनकी आप अगर रिकॉर्डिंग करेंगे तो कहाँ कहाँ हमें कैमरा रखना चाहिए। सही। तो वो फिर ऐसा हुआ कि वो जो प्रोग्राम हुआ था लोगों ने बहुत पसंद किया। उसके बाद मेरे काफ़ी मतलब टीवी के प्रोग्राम होने शुरू हो गए, उधर टीवी उधर फिल्म उधर रेडियो। तसवर खानम जी शादी सांगड़ जिले के बोबी वाले इलाके से ताल्लुक रखंदड़ मशहूर जमींदार सरदार रैस गुलाम अली मरी सा थी। सरदार रैस गुलाम अली खान मरी मरियन जे कुंगरानी कबीले जो पगदार हो। वह शादी 1969 ईस्वी धारे थी हुई। उन वक्त तसवर खानम जी उम्र लगभग 19 साल हुई। तसवर खानम मूजिब वो फिल्मी दुनिया जे माणन सा गजी कलंदर लाल शहबाज जी दरगाह ते हाजिरी दियण आई हुई। सहवण में ही एक महफिल दौरान सरदार रैस गुलाम अली खान मरी खेस गाईंदे बुधो आई पोए हु संदस पेरा खणी अची लाहौर पहुतो आई इए ही पोए रैस गुलाम अली मरी सा हु शादी जे बंधड़न में बदजी वे। हम आए पहली दफा आए थे यहां सेवन में, सब आर्टिस्ट भी थे, मतलब हीरोइन भी थी, म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, हीरो भी थे, जो भी मतलब सब। वो जगह ऐसी थी कि वहाँ हर आर्टिस्ट को 5-5 मिनट या 2-2 मिनट या 5-5 मिनट वो गाने के लिए उधर कलंदर पे, कलंदर पे मुझसे पहले कोई और वहाँ गाने लगा था। तो उन्होंने कहा चले इस बच्ची को, जैसे ऐसे करके ना जैसे बच्ची है इतनी सी तो है क्या, चले आप बैठ जाए पहले इसको सुन लें। तो जब गाना शुरू किया तो उस टाइम मतलब सैर होने वाली थी, सुबह 3:30 का टाइम था उस समय। आवाज़ तो वैसे ही अल्लाह की देन थी, अच्छी थी, सुरीली थी, यहाँ के लोग सुर को बहुत समझते हैं। तो एक सन्नाटा सा हो गया ना उस टाइम पे, मुझे अब भी याद आता है तो मैं हैरान होती हूँ। ऐसे सन्नाटा हो गया कि जैसे जैसे कोई इधर कोई कोई है ही नहीं।
मैं ही हूँ जो गा रही हूँ। रख लाज मेरी लजपाल, बचा ले मैनू गम तो कलंदर लाल। ये गाया, आप यकीन करें 1.5 घंटा में ये गाई। ये रईस साहब और इनके दोस्त वगैरह ये इसी जगह पे बैठे हुए थे, रईस गुलाम अली खान, मोहम्मद खान इनके दोस्त थे, मीर उनके दोस्त थे कोई, तो बस वहां से इन्होंने शायद पसंद कर लिया मुझे। या लिखे के काम होते हैं ये सब, कुदरत की तरफ से जो लिखा होता है। और फिल्म इंडस्ट्री में इनके काफी जान पहचान वाले लोग थे। आए लाहौर, कह यार एक लड़की है, साकी साहब को कहा कि वो कहती मैं गुलूकारा हूँ, तस्वर खानम कहती अपने आप को, और पतली सी है लड़की। कहा हाँ है, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो रिकॉर्डिंग कर रही है एवरन्यू स्टूडियो। वो फिर वो आए वहाँ, कहे ये हमारे दोस्त हैं सिंध से आए आपको देखने के लिए, आपसे मिलने के लिए। मैंने कहा मेहरबानी। हमने उनका फिर कहा कि आप चाय पिए या हमारे यहाँ खाना खाएं। ऐसे हमने घर में इनका खाना किया। हम आए तो डायरेक्ट मेरी फूफो की बेटी थी, उनको कहा कि इस लड़की के साथ मैं शादी करना चाहता हूँ। मुझे कहा कि ये जो आए हैं वो कहते हैं मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ये वो। मैंने कहा मैंने कोई नहीं शादी वादी करनी ये वो, मतलब उस टाइम तो जुनून था गाने का ही, ये गाना है मुझे शादी वादी नहीं करना। ये चले गए, फिर उसको कह उसको कर उसको बता उसको कह के यार इसको मनवाओ बच्ची को। अम्मी ने कहा बेटा शादी तो करनी है, अच्छा इंसान है वो, कह रहे तो। मैंने कहा जैसे आपकी मर्जी, ऐसी शादी हुई हमारी। ये कब शादी हुई? ये रंगीला अभी फिल्म बन रही थी उसी वक्त, उस टाइम 1969 की बात। जी हाँ, उसी टाइम। इलम अदब फन फनकारन सा चार कंदड़ रेस गुलाम अली मरी तस्वर खानम खां अगब ब शादियों करे चुको। उन तस्वर खानम के बुधायो तो संदस सिर्फ हिक शादी थे लाहे। बाद में हु जरा हिक बार जी माँ बनजन वारी हुई, तरह हु सांगड़ जे इलाके बोबी पहुती, तरह के पतो पियो तो संदस मुड़स बिन न पर टिन घरवारियन जो मुड़स आए। पहले एक शादी का उन्होंने बताया था, मुझे खानदान की एक शादी है मेरी। अच्छा, मरी साहब ने ये बताया। दो शादियों का नहीं बताया था, मैं झूठ नहीं बोलती। अच्छा, अच्छा, मैं सच कहती हूँ। वो फिर यहाँ जब मैं आई, जब ये जंग नहीं हुई थी तो मैं कराची में थी, तो मुझे बेबी होने वाली थी उस टाइम। तो कहा कि ये अब कैसे, ट्रेनें वगैरह जहाज सब कुछ बंद था। तो मैं क्या, अब मैं क्या करूँ, मैंने तो जाना है घर। कहते नहीं आप अब अपने घर चले, मतलब इधर वो भी। तो मैंने कहा जैसे आपकी मर्जी। फिर मुझे लेकर गए थे गांव। फिर वहां मुझे जब पता चला कि इनकी दो शादी, पहले नहीं पता था। फिर कोई तो वो तो हो गया ना, अब क्या हो सकता था। तस्वर खानम अणपढ़ियल हूंदे भी हजारें गीतन गानन गजलन के आला पे हमेशा लाए अमर बनाए छो। वो बुधाए थी ते खेस जने कें गीत गजल या गाने जा लफ्ज उच्चारण में का दुख्याई पेश इंदी हुई तो हू वे लफ्ज आई उनन जो मतलब कें का पूछन में को आर महसूस न कंदी हुई। गीतन गजलन आई गानन जी रिकॉर्डिंग दौरान खेस अनेक मुश्किलातू भी पेश इंदी हुई हूं, पर हुन उनन मुश्किलातन जी करह का परवाह न कई। शायरी होती है लिखी हुई, तो मुझे कोई अल्फाज की नहीं समझ आती कि ये क्या है। तो मैं फिर म्यूजिक डायरेक्टर से पूछती, या आगे को लिखने वाला जो बैठा होता है, रिहर्सल होती है तो काफी लोग होते हैं, उनसे मैं पूछती थी ये लफ्ज क्या है, क्योंकि आम जिंदगी में ये लफ्ज नहीं कहा जाता, तो मुझे पहले बताएं फिर मैं याद करूं। काकुलें सवारो भी, काकुलें सवारो भी, काकुलें सवारो भी। अब काकुलें का लफ्ज तो कभी सुनने में नहीं आया, ना घर में कभी किसी ने या कोई कहीं से सुना हो या कोई बात हो। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ये काकुलें क्या है, मुझे इसका पहले बता कि मुझे गाने में आसानी होगी ना, मुझे अदायगी करने में आसानी होगी। तो उन्होंने कहा काकुलें बालों को कहते। राग जी रानी तस्वर खानम फिल्मी दुनिया सा गड रेडियो टीवी के अनेक गीत अर्पया।
हुन जे तणे के एक कबीलाई सरदार सा शादी कई हुई पर संदस मुड़स कदें भी हुन जे फनी राह में रुकावट न बनी। वो बुधाए थी त सरदार रेस गुलाम अली मरी खेस पान रेडियो टीवी ऐं मुख़्तलिफ़ महफ़िलन में वठी वेंदो। उन्होंने इजाज़त दी कि आप भले गाएं तो? हाँ, कोई उन्होंने कभी नहीं रोका था मेरे साथ। यहाँ हैदराबाद में प्रोग्राम हुए एक दो, मेरे साथ थे वो, रेडियो में आए। नज़ीर अली साहब मैंने बताया ना, उनके दोस्त थे तो उनसे मिलवाने के लिए लेकर आए। फिर एक आर्ट काउंसिल थी यहाँ कोई, या कोई ऐसा कोई प्रोग्राम था, वहाँ मेरे साथ थे। उन्होंने कभी नहीं रोका मुझे कि आपकी मर्जी, आपका शौक है, आपका है। जब मेरा ये येलो कपड़ों वाला प्रोग्राम नहीं आप देखते टीवी में, ये उनके मरने के बाद हुआ था। ये मैंने दोबारा शुरू किया था क्योंकि उनका कभी मुझे रोक रुकावट नहीं थी मुझे उनकी, मतलब मैं रोती रोती थी, नींद नहीं आती थी मुझे। एक वो धचका जैसे लगा खामत का, तो फिर मैं लाहौर गई तो मेरी बहन ने मुझे डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा कि आप मसरूफ रहे, आप घूमे फिरे ये वो, अब बेवा औरत घूमे फिरे तो लोग उंगली उठाते हैं। तो मेरे पास तो मेरा अपना फन था, मैंने कहा यही है कि मसरूफ इधर ही रहूं, ये प्रोग्राम करूं। मुझे उन्होंने भी कभी नहीं रोका था तो मैं यही करती हूँ। ये फिर दोबारा मैंने ये शुरू किया। और बेटा वगैरह भी तो नहीं रोकता ना, क्योंकि उनके बाप ने नहीं रोका, ये क्यों रोकेंगे। वो मेरे साथ आया करते थे प्रोग्राम। सही। लेजेंड गुलूकारा तसवर खानम जो ताल्लुक जेतड़ो शोबिज़ जेड़े ग्लैमर वारी दुनिया से रहो आए, पर उन पान के निज घरेलू औरत भी साबित कर। वो बुधाए थी त संदस मुड़स जेतड़ो उन का उम्र में घणो वडो, पर उनके कदें भी उम्र जो फर्क महसूस न करायो, ऐं संदस मुड़स के गोठ के माहौल में समायजी रहजी वई। मुझसे वो बड़े थे काफी, एज के मुताबिक वो बड़े थे मुझसे, तो मैंने अपने आप को फिर उनकी उम्र जैसा ढाल लिया अपने आप को, जैसे यही मेरी जिंदगी है, यही सब कुछ है। देहात की जिंदगी ये थी कि यहाँ तो पर्दा है, वहाँ पर्दा नहीं है कोई। सही। यहाँ भी पर्दा करती है? यहाँ मैं पर्दा करती, बाहर निकलती है बाहर के कभी नहीं, जमीनों पे जाना या कहीं ऐसे निकल के उस घर चले जाना, ये वो ये जाना है, चादर वदर लेके फिर जाना है उस गांव जाना है, या कहीं शादी पे या कहीं फोतगी पे, खुशी गमी तो साथ ही वहाँ पर्दा कर। अब भी शहर में मैं, मेरा ख्याल है जब से मेरी शादी हुई है, मेरा ख्याल है या दो या तीन दफा मैं गई शहर में, वो भी किसी को नहीं पता चला कि ये कौन है, नकाब और ये वो ऐसे ढांप के अपने आप। ये रिवाज है वहाँ का जिस कबीले में आप बयां गए? मतलब बड़े लोग हैं ना, एक बलोच फैमिली है, पर्दे वाली है, तो वो कहते हैं कराची चले जाएं, मीरपुर चले जाएं, ये हमारा अबाई सज गांव के ही है शहर, तो ये यहाँ सब अपने जानने वाले ये वो होते हैं लोग, तो यहाँ ना करें शॉपिंग वगैरह। तसवर खानम के एक पुत्र मीर मुराद अली मरी टिन न्याणियन जो औलाद थो, संदस एक न्याणी जो इंतकाल थी चुको, वजब बोबी में ही रिहाइश पजीर आहे, ऐं उते जे ही माहौल संगड पंहिंजी जिंदगी गुजारे थी। मेरे तीन बच्चे हुए, बेटियां तीन एक बेटा, पहली बेटी फोत हो गई, फिर दो बेटियां एक बेटा। अब तो कहीं गाने वाने नहीं होता, नहीं गाती? नहीं अब नहीं गाती, मेरा गला ठीक नहीं है। कब से छोड़ा? काफी टाइम हो गया, 5-6 साल हो गए। राग के इबादत समझी गाइंदड़ तसवर खानम के मुल्क जे वरन वरन गुलूकारन सा गड गायण जा खूब मौका मिला। वो गायकी जी दुनिया में मलकाए तरन्नम नूरजहां के पैंजो आइडल समझे थी। केस नूरजहां सा गड बेनब अनेक गुलूकारन सा गड गायण जो मौका मिलो। राग जे बादशाह मेहदी हसन सा गड बहरहाल हु गाए न सके। मुझे मैडम जी बहुत अच्छी लगती, मेरा आइडियल है मैडम मलका तरन्नम नूरजहां। उनसे भी उनकी भी कॉपी करने की कोशिश की आपने? कॉपी नहीं, आवाज मेरी अपनी है मगर मैं उनकी फैन। मैडम ने जो गाने गाए वो आपने भी गाए? झूठ मैंने गाए उनके साथ, मैडम जी के गाने
कोई प्रोग्राम में चंद गाने हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, मैं उनके गा देती हूँ। मैं मैडम जी के साथ ड्यूट गाया, मैडम नूरजहां के साथ, माला के साथ, नसीम बेगम के साथ, अहमद रुश्दी के साथ, मसूद राना के साथ, रजब अली के साथ, ये अफशां के साथ, नज़ीर बेगम के साथ, एरन परवीन के साथ, और मुनीर हुसैन साहब के साथ, मैंने सब के साथ ड्यूट गाए। सिर्फ मेहंदी हसन साहब के साथ वो कोई ऐसा मौका नहीं मिला। वो भी अक्सर बाहर भी होते थे, बाहर प्रोग्राम करते थे ये वो, और वो उनके साथ मेरा ड्यूट नहीं हुआ, बाकी सब के साथ मैंने गाया। नैसन भट्टी साहब के साथ गाया, और भी काफी आर्टिस्ट थे जिनके साथ मैंने गाए। तसवर खानम पंहिंजे अंदाज़ जी हिक निराली गुलुकारा है। वो गायण वक्त नक के थोड़ो मोड़े पो गाईंदी आहे। संदसि चवण आहे त अज न उहे राग गायण वारा फनकार बाक़ी आहिनि, ऐं न ई वरी फन खे समझी ॿुधण वारा के बाज़ौक माण्हू मुयसरु हुजनि था। ये रागनी और रुगनी जब सीखी या जब ये गाने वाले थे तब सुनने वाले भी वैसे थे, समझ गया। अब जैसे माहौल बदलता गया, रिकॉर्डिंगे बदलती गई, गाने बदलते गए, वक्त ही बदल गया, वक्त बदल गया, तो वो अब कोई राग रंग कोई लगाएगा तो आदमी सो जाएंगे, अब क्या सुने, ये अंदाज हो गया था लोगों का। तसवर खानम हाणे गायकी जी दुनिया खां घणो दूर वञी हिकु कुंड वसाए छॾी आहे। केस जॾहिं झूंगारण लाइ इसरार कजे थो तॾहिं संदसि गलो हुन जे आलाप जो साथ छॾे थो ॾिए। हू पाण बि पंहिंजे अॻूणे आवाज़ ते हैरान थी वेंदी आहे। ऐं ग़ज़ल बि आपकी बड़ी मशहूर थी, दिल में हिकु लहर सी उठी है, गुनगुना के गला बिल्कुल नहीं जैसे भी है, बिल्कुल नहीं नहीं जैसे भी है। अब जैसे भी है, अगर कोई डॉक्टर देख रहा हो तो मेरे गले का कुछ इलाज कर दे, नहीं तो मेरा गला खराब है। खराब है तो खराब है, लेकिन थोड़ा गुनगुना। टूटी है मेरी नींद मगर तुमको इससे क्या, तुमको इससे क्या, बजते रहे हवाओं से डर, तुमको इससे क्या। एक फिल्मी गीत मेरा दिलबर मेरा दिलदार तू है जी रिकॉर्डिंग जो हूँ दिलचस्प किस्सो बुधाए। दिलदार तू है मेरी जिंद जान मेरा प्यार। चवण हो तो गीत के याद ही न हो, पर पोए भी वो गीत किए रिकॉर्ड थो किए सुपर हिट बनजी वो तेजो किस्सो तवा पान ही संदस जबानी बुधी वो। मास्टर अब्दुल्ला साहब का गाना था वो मेरा दिल भर मेरा दिलदार तू है। ये गाना ऐसे था कि मुझे उन्होंने कहा कि आप आकर ये रिकॉर्डिंग करनी। मैंने कहा मास्टर साहब मैं तो चार चार दिन पहले याद करती हूँ गाना, उसके बाद रिकॉर्डिंग करती हूँ। जब मैं गई एवरन्यू स्टूडियो, मास्टर जी को मैंने कहा मास्टर साहब मैं तो ये गाना नहीं एकदम नहीं याद कर सकती। कहते नहीं तुम बेटा याद करो बैठ के, मैं तुम्हें जब तुम्हें याद आ जाएगा फिर हम रिकॉर्डिंग करेंगे। अब इतने बड़े म्यूजिक डायरेक्टर थे वो, मैं चुप हो गई। मैंने कहा चले कोशिश करती हूँ। फिर वो गाना ऐसे रिकॉर्ड हुआ कि जब उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है अब तसव्वुर में तुम्हें ना कान में बता दूंगा बोल, ये बोल है ये कहो, आप ये बोल है ये कहो। तो वो था मेरा दिल भर मेरा दिलदार तू है,
मेरा दिलदार तुम्हें ओए मेरी जिंद जान, मेरा प्यार हो मेरा प्यार तुम्हें, ओ मेरा प्यार तुम्हें ओए मेरा दिलबर मेरा दिलदार। अब वो करते क्या थे, मेरा दिलबर मेरा दिलदार मेरा दिल, मैं ऐसे गाती थी। अंतरा कहना था अपनी गैर नू बनाया ही अपनी गैर, इस तरह करके वो गाना रिकॉर्ड हुआ और हिट हुआ, इतना हिट हुआ वो गाना, वो फिल्म ही उसी गाने पे चली। तसवर खानम रुगो देह में ही न पर परदेह में बे पंजे फन जो भरपूर मुजाहिरो कर चुकी। वो अमेरिका इंग्लैंड जे दौरे जो हनरीत जिक्र करे थी। मैं गई अमेरिका, मैंने काफी वहाँ प्रोग्राम किए, इंग्लैंड वहाँ भी प्रोग्राम मैंने किए। मैं जब गई हूँ तो मतलब 11 प्रोग्राम मैंने किए 3 महीने में वहाँ बाहर बाहर। तो वहाँ के लोग कहते थे ये आप हैं कि जो इतने आपके प्रोग्राम यहाँ लोग मतलब के देख रहे हैं, नहीं तो अक्सर आते हैं कि मतलब 3-3 महीने रहते हैं मगर इतने प्रोग्राम नहीं होते उनके, आपके ज्यादा हुए। उसने कारकर्दगी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तसव्वुर खानम के जनरल परवेज मुशरफ के सदारती दौर में मिला। उनकी शिकायत है तो खेस उवे अवार्ड घणो देर से मिला। वो परवेज मुशरफ के महफिल में गायण अवार्ड मिलने जो दिलचस्प किस्सो बयान करे थी। उन्होंने प्रोग्राम रखा अपने घर में आपा नैयर ने, अनवर महमूद साहब ने, मुशरफ साहब ने वहां आना था उनके प्रोग्राम में, शायद उन्हीं के लिए था प्रोग्राम या क्या मुझे नहीं मालूम। तो हम लोग गए वहां, वहां मैं गाई तो आपा अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो अब नहीं है इस दुनिया में, मेरे साथ बहुत मुझे प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी मेरे साथ। तो प्रोग्राम तो हो गया तो उसके बाद फिर एक प्रोग्राम था उनके यहाँ कोई 2-3 महीने के बाद, तो वहाँ बातें हुई तो मुझे अपने घर में ठहराती थी, वो मुझे होटल में नहीं ठहराती थी कि तो तुम सबर मेरे पास रहो। जब भी मैं वहाँ प्रोग्राम करती थी वो अपने पास ठहराती थी मुझे। तो वैसे बातों में कहा कि मैंने कहा आपा वो प्रोग्राम कैसा लगा, मुशरफ साहब बैठे हुए थे प्रोग्राम था ये, कहते हैं हाँ वो प्रोग्राम ऐसे बातें हुई। तो मैंने कहा मुशरफ साहब वो पढ़ी लिखी नहीं है तसव्वुर, कहते क्यों आप कहते, वो तो कॉपी रख के उसको गानों को निकाल के गाती थी, वो निकाल लेती थी गाने, कहती उसको शनाख्त है कि यहाँ ये गाना है यहाँ ये गाना है। तो कहती बड़ी बात है कि वो मतलब एक अनपढ़ होके लड़की इतना अच्छा गाती है और इतना तलफ़ भी उसका अच्छा है, गाने याद रखने बड़ी बात है। तो वहाँ ऐसे बातें उन्होंने कही, उसको बेचारी को अभी तक प्राइड परफॉर्मेंस भी नहीं मिला, कहते हाँ नहीं मिला, कहते नहीं मिला। तो फिर उन्होंने मुशरफ साहब ने ये प्रो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मुझे दिलाई। तसव्वुर खानम के पैंजे फन जी मंता तौर हूँ तो बया भी अनेक अवार्ड मिलया सणस अनेक महफिल से गड शामू भी मल्हा व्यू, पर खेस पीटीवी रेडियो पाकिस्तान पारा अवार्ड अजा ताई ना दिनों वो। उन गाल जो खेस अज भी अरमान है, वो चवे थी तो यो खुद पीटीवी रेडियो की इंतजामिया के सोचन घुर्ज तो उन्हें खेस अवार्ड छो न दिन। मुझे ज्यादा पहचान मेरी पीटीवी ने थी, मुझे उन्होंने कभी मुझे नहीं याद किया किसी अवार्ड में, रेडियो अवार्ड में भी मुझे किसी ने नहीं याद किया कभी, या क्यों नहीं किया, क्या सियासत है या क्या है वो मैं नहीं जानती। शिकायत तो उनको भी सोचना चाहिए, मुझे तो शिकायत है ही मगर उन्होंने क्यों नहीं दिया वो मुझे नहीं समझ आती। अगर तुम मिल जाओ, अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम, अगर तुम मिल जाओ, जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ते।
अपनी पलकों में छुपा लेंगे, अपनी पलकों में छुपा लेंगे, तुम्हें खुशबू समझ के अपनी सांसों में बसा लेंगे, कयामत तक जो ना टूटे वो रिश्ता जोड़ देंगे। गाना भी मैडम तसव्वुर खानम जगायल है, खेस यो एजाज हासिल है तो संदस गायल उन गानन के धुनन के भारत में भी वरी मंता मिले। तसव्वुर खानम के गायल गीतन गजलन के वक्त वरन शायरन भी बिन घनो पसंद कया। उन लिहाज से खुशबू की शायरा परवीन शाकिर जो खसूसी जिक्र करे थी। परवीन शाकिर उनकी गजले में टूटी है मेरी नींद मगर तुमको इससे क्या, बजते रहे हवाओं से दर तुमको इससे क्या। अच्छा बड़ी बात, उन्होंने एक अपना इंटरव्यू किया तो उन्होंने यही गज़ल लगवाई मेरी, कहती मुझे लगता है कि मैंने ये तसव्वुर के लिए बनाई थी। इतनी अच्छी उसने गाई है गाना ये गज़ल मेरी कि बहुत मुझे पसंद है गज़ल अपनी। फनी जी दुनिया में वो नालो पैदा कदड़ मैडम तसव्वुर खानम पैंजी शख्सियत में एक बिना सीधी सादी औरत है। संदस कोशिश हुंदी आए तो उवर गाल के सच बयान करे छड़े, पर समाज जो रीतु रस्मों ऐ बंधन करे करे सच जो रस्तो ब रोके छड़ीना है न, ऐ वही दुनियादारी आहे त जमाने जा दुख अंदर में सांढे पहिंजी उम्र गुजारे छजे। किस तरह से गुजारा होता है घर ठीक, शुक्र अल्लाह का। राग जी दुनिया के उम्र अर्पे छड़ींदड़ ममताज गुलूकारा तसव्वुर खानम हुआ तो अनेक इंटरव्यू दिना है न, पर कें भी सिंधी टीवी चैनल के ही संदस जिंदगी जो पहरियो इंटरव्यू है। सिंध महबूब ए सदा मलूक चैनल टाइम न्यूज सा उन मिठड़ी बोली सिंधी बोली में भी गुफ्तगू कई। कोई चीज उसको कहना मुझे ये दो कदे अम्मा मुखे कौन थी समझ अचे तुझी, तू मुखे चो ही डे वो खणी अच ये खणी वन, मत अड़े तरीके से ना उन मुखे थोड़ो सिखारे गल आ माई अम्मा ये गल आ तू पो हाने थोड़ी टूटी फूटी सिंधी अचो थी वन नौकरन से गड या उत सिंधी जे कमाइयों अचन थी उन्होंने गल आए वटा। गच साल थिया जो तसव्वुर खानम फन जी दुनिया के अलविदा चई, हाने एक कुंड वसाए छड़ी आ है। वो हजरत मौत के हर रात याद करे थी, ऐसा दस ख्वाहिश आए तू बिना के मोहताजी जे ये जिंदगी के अलविदा चई मौत के गले लगाए जो सदस मरती जी खबर बुधंदड़ मानू ब हैरान ही परेशान रह जी बिना। नहीं अभी वो उम्र पड़ी है। नहीं जी अब बाकी थोड़ी सी है बाकी क्या, बस अल्लाह रहम करे मुताज ना करे किसी का परवरदिगार, ये दुआ मांगती हूँ। चलते फिरते बस ऐसे हो गया, अभी मेरे साथ बात हुई थी क्या हुआ तो सब ठक ठक बस ऐसे जिंदगी खत्म। मेरी अंदर की ख्वाहिश है वो तो अब अल्लाह जानता है क्या। मौत से डर नहीं लगता? नहीं, मैं यकीन करो मैं हर रात मौत को याद करती हूँ, परवरदिगार ऐसी मौत दे कि किसी का मुताज ना करना, बस ऐसे के ऐसे की बात करते करते ये हो जाए कि अभी तो मेरे साथ बात हुई थी, कल तो मेरे साथ बात की थी, क्या हो गया, ऐसे परवरदिगार मौत देना। हम सवेरे क्यों मंडलाए रंग उड़ाए रूप चुराए, ऐसी बातों से रहो अनजान रहे। राग जे रमजन के समझी पहेंजी इस्दवाजी जिंदगी सा भरपूर निबाह कंदड़ मैडम तसव्वुर खानम साले औलाद हुंदे बजन अकेलाई जो शिकार है। संदस वर सरदार गुलाम अली मरी 8 नवंबर 1999 ईस्वी ते इंतकाल करे वे वजब के सारे थी ए जन खाउस जिंदगी जे कै वडे दुख जो पुछजे तो त पजे मुर्स जे विछोड़े जी गाल कंदे कंदे गोढ़ा हुन जे अखन में तरी अची संदस अथा दुख जो इजहार करे थे। जिंदगी का जो साथी चला जाए ना
तब उस औरत की जिंदगी नहीं होती, उसको उससे पहले मर जाना चाहिए, खामत से पहले। बहुत मुश्किल होता है।